मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से हिंदुओं पर हमला होने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम जिहादी एक के बाद एक हमले पर हमले किए जा रहे हैं। पहले बाबा महाकाल पर, फिर भगवान गणेश और अब श्री हनुमान जी महाराज। एक के बाद एक हिंदू देवी देवताओं की धार्मिक रैलियों और उनकी यात्राओं पर इन जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। ताजा मामला है आगर मालवा क्षेत्र का, जहां के एक हनुमान मंदिर से निकाले जाने वाली झंडा मंडली पर कट्टरपंथियों ने तलवार और लठ से हमला कर दिया और महिलाओं ने भी घरों से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध मीडिया। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं, ये मामला है आगर मालवा क्षेत्र के हिरनखेड़ी का। यहाँ शनिवार रात को जब हनुमान मंदिर से झंडा मंडली निकल रही थी, जब वो मंडली हरिजन बस्ती के पास पहुंची तो एक आरोपी, जिसका नाम ईद खान बताया जा रहा है, उसने कहा कि इन हिंदुओं को झंडा निकालने का बहुत शौक चढ़ रहा है, आज इनको जान से खत्म कर देंगे। करीब 7 लोगों ने तलवार और लठ से हमला कर दिया उस मंडली पर और कसर थी तो महिलाओं ने भी अपने घरों से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था, जिसमें जानकीलाल, रामलाल और पवन पाटीदार गंभीर रूप से घायल हैं। इनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल आगर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही SDM मिलिंद ठोका और आगर SDOP मोतीलाल कुशवाहा नलखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए हिरनखेड़ी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नलखेड़ा पुलिस ने दुर्गा प्रसाद तेजरा की शिकायत पर देर रात करीब 2 बजे मामले में हिरनखेड़ी निवासी इरशाद शकूर, हारून, ईदे रशीद, रईस अमीन खान के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य अपराधों के धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वारदात के बाद से अभी भी ये सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और ये ऐसा पहला मामला तो है नहीं जहां पर हिंदू देवी देवताओं की धार्मिक यात्राओं पर या उनकी अवहेलना करने का मामला सामने आया हो। इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर इन मुस्लिम जिहादियों द्वारा या तो हिंदू देवी देवताओं की जो धार्मिक यात्रा है, उनकी जो रैलियां हैं, उन पर पत्थरों से बरसात की गई हो, तलवारों से वार किया गया हो, चाहे कांच की बोतलें फेंकी गई हो, या फिर बाबा महाकाल की वो झांकी जहां पर बाबा महाकाल की सवारी पर इन मुस्लिम जिहादियों ने थूका। उसके बाद में हाल ही का एक मामला है धार के कुक्षी का, जहां पर भगवान गणेश की जब चल समारोह निकल रहा था उस वक्त उस यात्रा पर इन जिहादियों द्वारा ही पत्थर चलाए गए थे, पत्थरों की बरसात की गई थी। और अब ये मामला सामने आए जहां पर मुस्लिम जिहादियों ने सीधे सीधे धमकी देते हुए भगवान श्री हनुमान जी महाराज की रैली पर, झंडा मंडली पर आक्रमण किया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, तलवारों और लठ से बरसात की। इसके अलावा उनके घर की महिलाओं ने भी अपने घरों से पत्थरों की बरसात कर दी और अब हर कोई बस यही गुजारिश कर रहा है कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि अगली बार ये किसी भी धार्मिक यात्रा पर या किसी भी हिंदुओं पर, हिंदू देवी देवताओं पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि आपकी इस घटना को लेकर क्या राय है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। इसके अलावा आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है, अगर आपने उसे वहां फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। धन्यवाद।